हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। देखो बच्चों, आपका बोर्ड का एग्जाम अब नजदीक आ चुका है, ठीक है। यूपी बोर्ड का एग्जाम 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो आपके 22 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक चलेंगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में मेरे कुछ बच्चों को घबराहट भी हो रही होगी कि पता नहीं कैसे करेंगे, क्या होगा। देखो ये तो जाहिर सी बात है कि हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, एग्जाम टाइम में थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन आरती मैम है ना, इसीलिए तो आप ना अपनी घबराहट को तोड़ के, अपनी घबराहट से पार निकल कर एग्जाम में कुछ बेहतर करने के लिए तैयार हो गए, वो भी मेरे साथ। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका 10th और 12th का एग्जाम है, ये आपका बेसिक एजुकेशन है बच्चों। इसमें आपने जो मार्क्स गेन कर लिए वही आगे चलकर आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। आप कहीं भी देखो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो सबसे जरूरी क्या होता है, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन पीजी आता है, लेकिन सबसे बेसिक जो होता है वो 10th और 12th। इसमें आपने जितने मार्क्स गेन कर लिए, ऐसा नहीं है कि जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो एक बार नहीं निकला तो दोबारा से अटेम्प्ट दे दिया, दोबारा से अटेम्प्ट दे दिया। लेकिन जो आपका ये 10th और 12th की परीक्षाएं होती है बच्चों, उसमें एक बार जो मार्कशीट में आपके नंबर अंकित हो गया वो आपके जीवन भर चलता है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं होता कि आपने दोबारा कर लिया, तिबारा कर लिया। अगर ऐसा करोगे तो उसमें अंकित हो जाएगा कि हाँ आपका ये दूसरा अटेम्प्ट है, या आप सप्लीमेंट्री आए, जो भी है, वो आपका एक बार जो अंकित हो गया मार्कशीट में वो वही रहता है, ठीक है। तो बच्चों जी जान लगा के मेहनत करनी है, ज्यादा समय नहीं बचा है हमारे पास। हम 2 महीने अगर पूरी ताकत झोंक देना बच्चों, तो विश्वास करो आप ना बहुत अच्छे परसेंटेज, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, जो आपने पढ़ा है उस पे फोकस करो, अपने ऊपर विश्वास करो, और हमेशा ये अपने आप से बोलो मैं कर लूंगा और मैं कर लूंगी, मैं बहुत अच्छे मार्क्स गेन करूंगी। कभी निगेटिव थॉट मत लाने दो, क्योंकि जैसे ही आपने थोड़ा सा निगेटिव को सोचा ना, वो एक चेन बनती जाती है, फिर जो चीजें नहीं भी होती ना कभी, वो भी हमारे मन में लगातार लगातार चलती रहती है, और फिर हमें लगता है कि हम सब कुछ भूल गए हैं, हमें कुछ नहीं आता। लेकिन बच्चों अगर आप घबराओगे नहीं, बिल्कुल तसल्ली से जो आपने पढ़ा है, अब देखो एक चीज और, नया नया टॉपिक नहीं ढूंढना कि हमने मास्टरमाइंड उठा ली, ठीक है, विद्या उठा ली, या बुक ले ली, या एक तरफ कॉपी रख ली चारों तरफ फैला के, फिर उसमें हम क्वेश्चन ढूंढ के पढ़ने लगे। आप जिससे अभी तक पढ़ते आए हो, चाहे वो कॉपी हो, चाहे वो आपके कोई क्वेश्चन बैंक हो, उसी को, उसी टॉपिक को या उसी बुक का यूज करके लगातार आप उसको रिवाइज करो, ठीक है। अब देखो यूपी बोर्ड में 55 लाख से ज्यादा स्टूडेंट बैठ रहे हैं, सबका भविष्य ये जो परीक्षाएं हैं यही निर्धारित करती हैं, ठीक है। तो हमें जो एग्जाम देना है, एग्जाम के लिए हमें बहुत पेशेंस की और बहुत धैर्य की जरूरत होती है बच्चों, ठीक है। हम भी पहले यहाँ पे नहीं आ गए, हमने भी इस तरह की परीक्षाएं बहुत सारी फेस की हैं, तभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो बच्चों जैसे जो 10th में बैठ रहा है उसके लिए तो पहला बोर्ड एग्जाम होगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। जो आपने पढ़ा है बिलीव करो, जो आपने पढ़ा है वही आएगा, और आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। बस अपने मन में निगेटिव थॉट्स नहीं लाना है, और कुछ जरूरी बातें हैं जो आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब इसमें से देखो सबसे पहला है रिवीजन पर फोकस करें। रिवीजन जो आपने पढ़ा है, जो अभी तक आपने तैयारी की है, बस उसी का रिवीजन आप करते जाइए। रिवीजन आपके सक्सेस की मेन की है बच्चों, जो आपने पढ़ा है उसी को बार 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 बार, मैं ये कहती हूं कि आप उसको पढ़ो फिर लिखो, लिख कर देखो कि हम कितना कर पा रहे हैं, कितना हमें याद है। इससे आपका मतलब दिमाग में भी आपके बैठेगा, और जो टॉपिक आप लिख लोगे उससे आपकी राइटिंग और स्पीड दोनों बढ़ेगी। और दूसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पिछले प्रश्न पत्रों को हल करना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप उसको उठाइए, ठीक है। अनसॉल्व पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 3-4 साल तक के अंदर के जो आपको मिल रहे हैं वो आप सॉल्व करके देखिए, उसको देखिए कि किस खंड से, किस
किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन का टाइप क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको तैयारी करने में, इसको इससे आपको परीक्षा के पैटर्न को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। और तीसरा है मॉक टेस्ट। बच्चों मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। आप क्वेश्चन पेपर अपने से तैयार करके या किसी जिससे जिनसे आप पढ़ते हो, टीचर से तैयार करवा के या अपने से तैयार करके बच्चों निर्धारित टाइम में, जैसे 3 या 3.25 घंटे का जो टाइम मिलता है, उसमें आप 25 से 30 प्रश्न करने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए कि आप इतने टाइम में पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। अगर नहीं कर पाते हो बच्चों, तो अभी आपके पास टाइम है, आप इस तैयारी को बिल्कुल पूरा करिए ताकि एक्यूरेट टाइम में आप अपने प्रश्न पत्र को पूरा हल कर पाए। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी बच्चों, जो क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता हो, ऐसा नहीं पूरा पढ़ो और फिर मन में ये लगने लगता है ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। जो आपने क्वेश्चन पेपर लिया, आप देखो इसमें कौन सा आ रहा है, जो आ रहा है उसको सबसे पहले सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। अब सॉल्व करने के बाद जो फिर थोड़ा कम आ रहा है तो उसको बाद के लिए छोड़ दो। धीरे धीरे आप देखना, जब आप शुरू में पेपर हल कर लोगे ना, 2-4 क्वेश्चन करोगे, धीरे धीरे बिल्कुल आप नॉर्मल हो जाओगे। और जो आपको क्वेश्चन भूले हुए थे, जो भी आपको क्वेश्चन भूले हुए हैं ना, जैसे ही आप थोड़ा रिलैक्स होके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे, धीरे धीरे जो भी आपको क्वेश्चन भूले हुए हैं वो सारे याद आने लगेंगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है तो बिल्कुल रिलैक्स होके जो क्वेश्चन पहले आ रहे सबसे पहले उन्हीं को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर बच्चों चौथी जरूरी बात है खान पान पे ध्यान देना। बच्चों जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो आप लोग अपना खाना पीना बिल्कुल छोड़ के पढ़ाई में लग जाते हो, अरे बोर्ड एग्जाम आ गया। बच्चों एग्जाम तो आप ही को देना है, ठीक है, फेस भी आप ही को करना है। अगर आपने अपनी तबीयत खराब कर ली, ठीक है, तो जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाएगा। इसलिए अपने आप को एग्जाम में सही परफॉर्म कराने के लिए अपने आप को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने पीने पे ध्यान देना, प्लस अपनी नींद भी आपको कंप्लीट करनी है और थोड़ा बहुत टाइम अपने मनोरंजन के लिए भी निकालना है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि आप मोबाइल पे घुस जाओ और देर रील, ठीक है, तो मोबाइल में घुस नहीं जाना है, उससे बाहर आना है। सिर्फ आप टाइम डिसाइड कर लो कि सिर्फ मेरे को 10 मिनट मोबाइल देखना है या कोई गेम खेलना है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, या किसी के साथ बैठ के बात कर लो। 10 मिनट के लिए आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल छोड़ के अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेन करो। इसके बाद फिर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है तो पढ़ो, मतलब टाइम टेबल बना लो। 1 घंटे अगर आपने पढ़ाई की तो 10 मिनट बीच में ब्रेक लो। देखो बच्चों लगातार पढ़ाई करने से ना हमारा दिमाग भी पजल हो जाता है, ठीक है, तो लगातार हमें नहीं करना है, हमें पढ़ाई करनी है। 1 घंटे हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, ब्रेक लेने के बाद फिर हम आराम से थोड़ा फ्रेश मूड में पढ़ने बैठ गए। तो देखना इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका अच्छे से याद भी होगा और आप बिल्कुल ठीक ठाक रहोगे, ठीक है। और अपने खाने पीने पे विशेष ध्यान देना है, ये नहीं हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। और एक चीज और बच्चों, बाहर के खाने से बचना है, थोड़ा फास्ट फूड पे ना कुछ दिन कंट्रोल करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मारोगे ही नहीं, वो तो आपको पकौड़े चाट खाने ही है, लेकिन थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करके घर के खाने पे ध्यान दो, थोड़ी सी अपनी सेहत पे ध्यान दो, ताकि जब आप पे ज्यादा प्रेशर पड़े, जब आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो आपका शरीर आपके साथ रहे। क्योंकि बच्चों पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आपका शरीर ही सही नहीं रहेगा तो फिर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। फिर है आपका लेखन कला में सुधार करना। लेखन कला, अब जो ये तो मैं नहीं बोलूंगी कि तुरंत आपने छड़ी हुई और तुरंत आपकी राइटिंग सुधर गई, ठीक है। आपकी जैसी भी राइटिंग है बच्चों, साफ सुथरा लिखने की कोशिश करो इस टाइम पे, जितना हो सके याद करो और उसको लिख कर देखो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, प्लस आपकी राइटिंग में भी थोड़ा बहुत सुधार आएगा। और सबसे विशेष बात यह है कि आपकी जैसी भी राइटिंग
अच्छे से हेडिंग डाल के कलरफुल पेन से और बढ़िया साफ सुथरा नीट एंड क्लीन, कहीं कटफट नहीं करना। कई बच्चे ऐसे होते हैं गलत हो गया लिए फिर दे 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 दे, मतलब उसको इस तरह से काला कर देंगे कि एक भी शब्द दिखाई नहीं देना चाहिए कि मैंने गलत लिखा था। अगर आपको कहीं गलत भी हो जाता है उसको आप ऐसे क्रॉस कर दो आराम से, ठीक है, उसको बिल्कुल ब्लैक नहीं करना है, काला नहीं कर देना है, बिल्कुल डार्क नहीं कर देना है, ठीक है। ऐसे में आपके नंबर कटते हैं। कॉपी को साफ सुथरा रखो, बढ़िया बकायदा हेडिंग डाल के लिखो, ठीक है, और जो आपको पहले आ रहा है बच्चों, जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है आप करना शुरू कर दो। बच्चे ऐसा करते हैं पूरा पेपर आराम से पढ़ेंगे फिर अरे ये आ रहा है वो नहीं आ रहा, अब जो आ रहा है उसको तो भूल गए, जो नहीं आ रहा उसकी घबराहट हावी होगी, अरे वो हमसे नहीं आ रहा। जो आपको आ रहा है आप वो क्वेश्चन उठाओ वहां से लिखना शुरू कर दो। आप देखना बच्चों 2-3 क्वेश्चन लिखने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे और जो आपको भूला हुआ है ना वो भी बिल्कुल याद आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ऐसा होता है शुरू में हमें घबराहट लगती है क्या आएगा क्या आएगा, जो हमने पढ़ा है वो आएगा कि नहीं, कैसे जाएगा पेपर, बहुत सारे सवाल उठते हैं। अपने दिमाग को बोलो कूल डाउन कूल डाउन, सब कर लेंगे, सब कुछ आएगा, जो हमने पढ़ा है वही पेपर में आएगा। निगेटिव थिंकिंग से बचना है, श्रृंखला नहीं बना लेनी है निगेटिव थॉट्स की, अरे ये पेपर ऐसा आ गया वैसा आ गया, अरे कहीं से नहीं आएगा, यूपी बोर्ड का है तो यही के सिलेबस से पेपर आएगा, जो आपने पढ़ा है वही आएगा, प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न है उसी पैटर्न से आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, ठीक है, तो अलग से कहीं से नहीं आना है, इसलिए घबराना नहीं, आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं आता। बस थोड़ा कभी कभी ये होता है कि लैंग्वेज हमने इंग्लिश में पढ़ा है तो हिंदी से आ गया तो हम घबरा गए, और अगर हिंदी से पढ़ा इंग्लिश में आ गया तो हम घबरा गए, अरे ये क्या दे दिया हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, सब उसी से होता है, बस आप थोड़ा तसल्ली रख के रिलैक्स होके पढ़ो। और जो बच्चे थोड़ा पढ़ाई में डर भी है ना बेटा, मैं बोल रही हूँ आपसे 2 महीना कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ लो, पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके अच्छे परसेंटेज आने से कोई नहीं रोक सकता, बस आप अपने ऊपर विश्वास करो और अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड रहो, ठीक है, और लगातार प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक बोलते हैं ना कहावत है, इफ यू मोर प्रैक्टिस देन बेटर यू आर, अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप ज्यादा बेहतर हो जाओगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। सफलता की कुंजी क्या है, लगातार अभ्यास करना। आप मैच वगैरह तो देखते होंगे ना, देखो जो क्रिकेटर वगैरह होते हैं जो खिलाड़ी होते हैं कितना अभ्यास करते हैं, अगर उन्होंने खेल सीख लिया है तो ये होना चाहिए ना अरे हमसे तो आता है हम तो कर लेंगे, पर नहीं, वो जब तक खेलते हैं तब तक उनकी प्रैक्टिस लगातार जारी रहती है। तो यही हमारे एग्जाम में भी है, हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जितना उसी को पूरे देंगे उसी को लिखेंगे उतना हम बेटर होते जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी मेहनत पे विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो और 2 महीने पढ़ाई के लिए झोंक दो। नंबर आपका है, मार्क्स आपके हैं, पेपर आपका है, एग्जाम आपका है, ठीक है, और अच्छे परसेंटेज भी अच्छे मार्क्स भी गेन आप ही करोगे और ये मेरी गारंटी है, ठीक है। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको तो पता है क्या करना है। थैंक यू।